तो गाइस स्वागत है आपको मेरे चैनल में। तो गाइस सबसे पहले आज बात करने वाले अपने पबजी के लिविक मैप के बारे में। तो पबजी ने ऑफिशियली उसका ट्रेलर रिवील कर दिया है कि क्या क्या मैप होने वाले, तो आप ट्रेलर देख लो, 1.5 मिनट का है, तो मैं प्ले कर देता हूँ पूरा। Hi, good morning everyone. I hope you had a good rest. We'll be continuing our tour of Livik today. Our next stop is Reeds in the central region of Livik. This place looks so beautiful when the reeds bloom during the fall every year. It's like a paradise on earth. But you better be careful when you're on this side, as you never know who or what might be waiting for you in the waist-high reeds. Okay, now let's go to the waterfall. The waterfall is located on the southeast side of Livik. It's a two-tier multi-step waterfall. Many people love to fly off the top of the waterfall in a motorboat. The thrill is simply indescribable. However, remember to never stand along the edge, as the strong current could drag you under. The last stop of our tour is the aqueduct. This is the most peculiar place in Livik. No one knew it existed until the weathering of the land and the movement of the Earth's crust revealed this ancient construct to everyone. This place is under maintenance, so remember to be careful at all times. The terrain here is really tricky. Make sure you don't get separated, or else you might find yourself lost here. Well, that just about covers everything. I hope you'll love Livik. Remember to give us a 5-star rating and to share this tour with your friends. See you again soon. तो अभी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज आ रही है रेगल्टोस की तरफ से। रेगल्टोस को क्रोनटन गेमिंग, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने उनकी जो टीम है गॉडलाइक, उसकी तरफ से अपने रेगल्टोस को ऑफर दिया था कि टीम ज्वाइन करने के लिए, जिसको रेगल्टोस ने रिजेक्ट किया था। उसका ये रीजन था, आप देख सकते हो वीडियो में। मेरे को तो नहीं पता कैसे होगा, ऐसे होगा तो भाई एक्शन नहीं भाई, देखो इतना बचाया गॉडल का पीएमएस इनवाइट क्यों रिजेक्ट किया ब्रो? शोभित भाई बहुत बात है, रुको बताता हूं क्या मतलब, मैं समझा नहीं भाई। एक तो शोभित भाई मैं नहीं खेल सकता, क्योंकि अपने हमने जो ब्रेक लिया ये पीएमएस के लिया था, सिनर्जी बिल्ड करने के लिए, और तो फिर अगर मैं जाता भी हूँ तो फिर वो बात नहीं रहेगी टीम में, मतलब वो ट्रस्ट जो वो सिनर्जी बन रखा है अभी, फिर वो हल्का सा कम हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी वैसे किसी का ही मूड ऑफ हो या कुछ भी हो। तो और प्रैक्टिस के लिए मैं वैसे भी मेरे पास बहुत कम टाइम है, शाम को मैं बिजी रहता हूँ आजकल, तो टीम के साथ जितना प्रैक्टिस करता हूँ उतना ही सही है। हमें पीएमसीओ पे मेन फोकस है भाई, अभी जीतना है वो तो कुछ भी करके जीतना है यार, तो बीच में हम नहीं छोड़ सकते ऐसे किसी भी, और मतलब है मोटर को वाइपर को नहीं छोड़ सकते भाई हम, अभी तो ऐसे नहीं कर सकते भाई। और एक पर्सनल इशू भी है तो वो मैं नहीं बता सकता, इसलिए नहीं। तो गाइस आ रही है नेक्स्ट न्यूज फेनेटिक की तरफ से। फेनेटिक के ओएस अभी जा रहे हैं मेक स्टार्स में वर्ल्ड लीग खेलने के लिए, तो देखते भाई क्या होता है। और ये टेम्पररी चेंज है, वो लोग टेम्पररी पर्पस के लिए मेक स्टार्स की तरफ से पबजी मोबाइल वर्ल्ड लीग खेलने वाले, और एस ब्रेक लेने वाले, तो इनकी जगह नया रोस्टर आया है फेनेटिक का, जो की ओरम ने अभी बताया, ओरम जो की फेनेटिक के कोच है, उन्होंने बताया मैक्स के एस रोनक फ्रेंकी एंड परितोष विल बी द न्यू रोस्टर। ये टेम्पररी पर्पस के लिए, देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई नेक्स्ट न्यूज आ रही है फेनेटिक की तरफ से ही, तो ओरम को किसी ने पूछा था कि स्काउट इज अ पार्ट ऑफ फेनेटिक और नॉट राइट नाउ, और हमने बोला ये सीज, तो मतलब स्काउट अपने को जल्दी से जल्दी देखने मिलेंगे फेनेटिक में वापस। तो देखते हैं भाई, अभी बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। तो गाइस अगली न्यूज आ रही है सोल की तरफ से। सोल का जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो कि ये सोल नहीं बताना नहीं बताना, सब लोग काफी ज्यादा इंटेंस है कि जानने के लिए कौन सोल नहीं बताना है, तो उसके रिलेटेड भाई नोवा किंग ने लाइव स्ट्रीम में मॉडल को फोन किया और उनको लगता है कि ब्लेजी या फिर आईटी प्रिंस हो सकते, तो भाई देखते हैं, आप देख लो क्लिप क्लिप, आप समझ जाओगे क्या कहना था मॉडल और नोवा किंग का। हम क्लियर करते हैं फिर तुम्हें बताओ पहले वीडियो कौन सी है, लाइक एज इन, चलो आई बट भी खोल लेते हैं, आई वाइपर ने कोई वीडियो डालिएगा 26 के। अच्छा ओके, उसकी आवाज भी तो नहीं आ रही है, वो सोल नहीं बताऊंगा कि आवाज भी तो नहीं आ रही है। ओके 437 भाई, लग तो ऐसे ही रहेगी ब्लेजी है बाकी देखते हैं, एक सेकंड और। ब्लेजी माफिया के लाइनअप में था पीएमएस, ओबे भाई ये तो पक्का डन है भाई, ये तो अब 100% हो गया। अगर माफिया ने बोला था ना कि मैंने रिकमेंड किया, तो भाई 100% ब्लेजी है, क्योंकि गोड ब्लेजी वाज इन माफियाज लाइनअप इन पीएमएस। हां हां ठीक है,
बाकी बताओ, सोल नहीं बताना, प्रिंस है या फिर ब्लेजी है या फिर कौन है भाई, या फिर तुम एक ही आईडी हर किसी को घुमा फिर आगे दे जा रहे हो और ट्राई कर रहे हो नाम रिवील हो गया है। ओके घुमा फिर आगे कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे वाइपर भाई ने थोड़ा स्कैम कर दिया, उसमें आ गया है ब्लेजी ब्लेजी का सीन थोड़ा सा, और फिर प्रिंस का भी सीन आ गया है भाई एक जगह, प्रिंस का भी आ गया है, प्रिंस की भी वीडियो में नाम लिखा है, नाम बोला है उसने, रेगा ने या फिर किसी ने, नहीं क्या साले प्रिंस की वीडियो में है, फिर क्या प्रिंस की वीडियो में नहीं, इसकी वाइपर की वीडियो में है, तो प्रिंस नहीं है अरिशोर भाई, प्रिंस का मना कर दिया इसने नहीं नहीं रुको रुको रुको, प्रिंस का मना कर दिया लोंडो, इसने प्रिंस का मना कर दिया है, हाँ भर दिया है उसका, क्या बोलते हैं उसे ब्लेजी का, रायगा को मैसेज करने वाला था यार, वो सारे सीक्रेट्स रिवील कर दिए हैं वाइपर की वीडियो में, अभी रायगा को ये मैसेज करने वाला था और देखा तो अनफ्रेंड कर दिया। अच्छा उसको बताया तो भाई जिस जिसको लगता था कि आईटी प्रिंस सोल नहीं बताना है, तो भाई मॉडल ने खुद कंफर्म कर दिया कि वो नहीं है, तो फ्लिप देख लो, नहीं बताना इज आईटी प्रिंस शॉकवेव इफ यू स्माइल, आई एम सॉरी बट दैट्स रॉन्ग, The foodie life, thank you so much Tejas Jaiwan, thank you Rega ki Insta video mein sound sunke 70% IT Prince hai, I'm sorry Vicky Sahu but that's wrong. To bhai next news aa rahi hai Techno Gamers ki aur se, Techno Gamers jo ki ek GTRP ke kafi famous player ho chuke aur kafi zyada trend mein chal raha hai India mein, to unki taraf se news aa rahi hai jo ki unke jo fraud accounts jo banate jo fake accounts banate YouTube aur unke jo video hai unko re-upload karte hai aur logo ko basically bewakoof banate aur unse kuch fraud karne ki koshish karte hai, jiske upar Techno Gamers ne kuch bola hai, tab dekh lo unki taraf se kya bola unhone. Hey guys what's up, ek na bahut zyada serious बात करनी थी आप सभी लोग से, इस टाइम ना YouTube पर काफी सारे फेक चैनल भी बन रहे हैं टेक्नो गेमर्स नाम से, जो कि यार मेरी वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर रीअपलोड कर रहे हैं और उसके बाद कुछ ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे मैंने कोई नई वीडियो डाली हो, मतलब कि अगर मेरी वीडियो का हैशटैग 62 एपिसोड चल रहा है तो वो लोग दिखा रहे हैं हैशटैग 63 और नए थंबनेल बना रहे हैं जिससे कि आपको लगे नई वीडियो आई है, तो देखो सीधी सी बात है फेक चैनल है और वो सारी की सारी मेरी पुरानी वीडियोस है जो वो लोग अपलोड कर रहे हैं, तो आपको उन लोग को सब्सक्राइब नहीं करना है और असली चैनल पहचानने के लिए जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसके कमेंट में ना मैंने पिन कर रखा होगा अपना कमेंट जिसके आगे वेरीफाइड का टिक भी लगा होगा, तो वही रियल चैनल है, आपने उसे सब्सक्राइब करना है। और गाइस यार बहुत से फेक चैनल्स पर तो ये भी वीडियो ले लिया कि मैं टेक्नो गेमर्स का छोटा भाई हूँ, उसके वाईफाई का रिचार्ज आज खत्म हो गया इसलिए उसके चैनल पर आज कोई वीडियो नहीं आएगी, तो मुझे डोनेशन करो मैं उसका रिचार्ज करवा दूंगा फिर वीडियो आ जाएगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं कोई डोनेशन नहीं मांग रहा है, सारे के सारे फेक चैनल्स है जो कि आपको लूटना चाहते हैं, तो भाई सीधी सी बात है इनको रिपोर्ट मारो वरना यार ये पता नहीं कितने लोगों को ऐसे बेमतलब पागल बना के लूट लेंगे, तो यार ये चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, तो आप लोग कोई ऐसा चैनल दिखता है तो आपने रिपोर्ट करना है उसे। वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्री फायर की ओर, फ्री फायर में एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी होने वाली है जो कि ज्ञान गेमिंग वर्सेस टोटल गेमिंग, ज्ञान गेमिंग ने कुछ एलिगेशन लगाए टोटल गेमिंग के ऊपर जो कि उन्होंने कुछ 80,000 का फ्रॉड किया है जो और काफी ज्यादा एब्यूज कर रहे टोटल गेमिंग को, जो कि पता नहीं क्या रीजन टोटली हो सकता है, उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए तो आप देख लो किस बात के लिए अब्यूज करा, पूरा क्लिप देख लो, नूब गेम प्ले पता है बॉट किसको बोलता है, सुनो ट्रीटमेंट चेंजेस होती है, सोलो वर्सेस स्क्वाड देखते हो आप लोग ट्रीटमेंट चेंजेस होती है, तो बहन तो कभी प्रो प्लेयर मार के दिखाओ बहन जो सोलो वेंडर, समझ रहे दिमाग में थोड़ा बात होती है दिमाग में क्या घुसा, अगर अच्छे स्क्वाड में आए सो ट्रीटमेंट गन गांड में घुसा देगा ट्रीटमेंट गन, समझ रहे हो, मैं अज्जू भाई ओपी अज्जू भाई गांड के भोसरे के बहन जो सब है तुम्हारा अज्जू भाई, तुम्हारा अज्जू भाई जिंदगी में तुम लोगों को क्या दिया लंड, तुम लोगों को गिवे में क्या दिया जिंदगी में लंड दिया, तुम लोगों को कभी जिंदगी में दिया तुम लोगों को किसी कुछ दिया तुम लोगों को लंड दिया, तुम लोगों एक एक करके लंड दिया, हम लोग पूछना क्या वो पूछ अजू से पूछना अजू तुम सबसे पहले क्या किया बोलना लंड दिया हम लोगों को, ऐसा पूछना अजू बोलेगा मैं अपने लोगों को लंड दिया हूँ लंड, सोच के देखो ठीक है लंड दिया तुम लोगों को लंड ठीक है, इसलिए मैं अजू मैं झट के बारा वाला है ठीक है सर सी बात है, जिस दिन भर्सेस होगा अजू भाई तुम बोलो ना अजू भाई को मैं रेडी हूँ बैंचो खेलने के लिए उसको बुलाओ, जिंदगी को आम छोड़ देगा बैंचो, इतना पिटूंगा ना आम छोड़ के बैंचो आज दिन से पिस्तल देके खेलेगा पिस्तल में किंग बनेगा, खेलना मैंने समझ नहीं है और भाई वीडियो छोड़ा है बैंचो कलारी का किंग माँ की चूर उसकी बैंचो कलारी की किंग बैंचो तेरह किल करके बॉट मार के कलारी की किंग बन लगा दी टाइटल में, अरे तेरी माँ की चोदू मैं दो तीन बार बैंचो यार तुम लोग को वैसे गाली देता हूँ तुम लोग चूतिए लोगो ना तुम लोग ऐसे बोलोगे तो ऐसे गाली खाओगे तुम्हारा ऐसे भाई, कलारी के किंग तेरह किल करके बैचित कर कलारी के किल बन गया माँ की चोदे, तुम्हारा अज्जू भाई ने एक बंदे से 80,000 रुपए खाए ठीक है 80,000 रुपए समझ रहे हो, उसका वीडियो आएगा देख लेना 100 रुपए के डायमंड देता है समझ रहे हो गाइस, एक 7 लाख की चैलेंज 100 रुपए 100 डायमंड देता है 100 डायमंड, आप लोग को दिमाग नहीं थोड़ा सा 100 डायमंड देता है
और मेरे पास सुन के देना कल से 1000 डायमंड देने लगेगा। एक चीज सुन लो, 100 डायमंड देता है आपको गिव अवे में, 100 डायमंड। बेंचो तो जिंदगी में 5-6 डायमंड तक अभी तक नहीं गिवे नहीं किया होगा, 5-6 डायमंड जिंदगी में, समझ रहे हो? और सारे पैसे तक लंग के अंदर घुसाता है। बोल देना कह मैंने बोला ऐसे, अब पूछ लेना मैं सही है क्या, अजू भाई से पूछ लेना। लेकिन मैं बोला अजू भाई तुमको महीने में कितना पैसा मिलता है, जो पकड़ लो 1 लाख रुपए मिलता है, 1 लाख रुपए में महीने में आपको गिवे देते क्या 100 डायमंड 100 डायमंड गिवे देता। तो वैसे ये जो कहना था वो ज्ञान गेमिंग को कहना था, और टोटल गेमिंग का इसकी तरफ से रिप्लाई नहीं है। तो हम लोग एक तरफा बात सुन के हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कौन सही है कौन गलत है। तो बस आज के लिए गाइस मेरे पास इतना ही न्यूज था। अगर आपके पास और कोई न्यूज हो तो मेरे को डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन हो जाओ, मेरे को बताओ, मेरे को डीएम करो या फिर ग्रुप में कहीं पे भी डाल दो, मैं देख लूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।